द्रो नमस्कार। जो एनपीएस सर ओपीएस को लेकर जो मैं आप लोगों के लिए कुछ जानकारी लेकर आ रहा हूँ, उसमें अभी तुरंत एक जानकारी है कि जो पीएफआरडीए हैं उसने एक अनाउंसमेंट की है कि आप जो नए कर्मचारी हैं यानी 2004 के बाद जिनको अपॉइंटमेंट हुआ है उनको एनपीएस मिलता है, नेशनल पेंशन स्कीम। तो वो चाहें तो रिटायरमेंट के समय 60% जो ना उन्होंने जमा किया है 60% विड्रॉ कर सकता है और 40% वो मैंडेटरी है कि उसको आप इंश्योरेंस के लिए यानी जो आपकी पेंशन बनेगी उसके लिए आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, यानी जो आपकी आपकी सैलरी का 10% जो आप जमा करते हैं एनपीएस में और 14% सरकार देती है, प्लस जो मार्केट्स में लगता है पैसा, शेयर मार्केट में लगता है, तो वहाँ से जो विड्रॉल आता है वो भी आपको मिलता है। तो कुल मिला के वो पैसा आपको करीबन 30-35% आपका बेसिक सैलरी का हो जाता है। तो जब आखिरी सैलरी आपकी होगी उस वक्त तक का ऐसा अनुमान है कि 40-35-40 के आसपास होगी, जिसमें आप सरकार ऐसा प्रपोजल ला रही है जो आपको मिलने वाला है इस दिसंबर तक मिल जाएगा कि 50% आपके गारंटी होगी कि आपको पेंशन एनपीएस के तहत जितनी आपकी बेसिक सैलरी है आखिरी सैलरी उसका 50% आपको मिलेगा और उसमें डीए भी शामिल होगा। ये आपके लिए अच्छी खबर, खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ और उसमें आप सरकार उसको जल्द ही जो कमेटी है वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देने वाली है और उसके बाद सरकार उसको एडॉप्ट करेगी और उसके बाद आपको नई ये एनपीएस में आपके 50% आपकी तय हो जाएगा कि आपको 50% मिलना है और फिर 6-6 महीने में डीए भी मिलेगा। अभी जो पीएफआरडीए ने किया है कि आप जो विड्रॉल कर सकते हैं वो 60% तक कर सकते हैं। पहले था कि 40% आप विड्रॉल कर सकते हैं और 60% आपको संभाल के रखना है, लेकिन अब पीएफआरडीए ने कर दिया कि 60% आप विड्रॉ कर सकते हो और 40% इन्वेस्ट करना है पेंशन के लिए ताकि आपको परमानेंट एक पेंशन मिल सके रिटायरमेंट के बाद। तो उसमें एक और है कि अगर आपको जैसे लोग करते हैं अपने पीएफ से जब इमरजेंसी होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे ही अब इसमें एनपीएस में से आप अपनी 25% तक विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई के लिए या बच्चों की शादी के लिए या मेडिकल इमरजेंसी के लिए, तो आप उसमें 25% तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें दो निर्णय बड़े लिए हैं पीएफआरडीए ने, एक तो आप अपना सैलरी का रिटायरमेंट के टाइम 60% विड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा जो आपका इमरजेंसी होगी कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी तो उसमें 25% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है कि 50% आपको सैलरी आपकी जो पेंशन है उस पेंशन का आपको गारंटेड 50% मिलेगा और वही सरकार केंद्र सरकार भी इसको विड्रो उसको इम्प्लीमेंट करने वाली है, दिसंबर तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि 2024 का चुनाव है, तो उससे पहले सरकार चाहती है कि वो विड्रो हो जाए और ताकि जो ओपीएस लागू कराने को लेकर एक नाराज़गी है सरकारी कर्मचारियों में उनकी नाराज़गी दूर की जा सके, क्योंकि बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि उनको एनपीएस की जगह ओपीएस मिल जाए यानी पुरानी पेंशन स्कीम मिल जाए ताकि उनका जीवन एक जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है वो सिक्योर हो जाए। तो वो सरकारी खाते से आपको 50% लास्ट सैलरी का 50% प्लस डीए मिलता है, तो एक वो सोशल सिक्योरिटी रहती है। जो एनपीएस में मिल रहा है वो कम है, उसका अमाउंट भी कम है और जब आप 60% विड्रॉल कर लोगे तो वो पेंशन आपकी और भी कम हो जाएगी, तो एक चुनौती है। उस चुनौती का सामना देखते हैं कैसे करते हैं, लेकिन ये मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि दिसंबर तक आपको 50% पेंशन की गारंटी मिलने वाली है और उसमें आपको डीए मिलेगा। आज एक झारखंड हाई कोर्ट ने भी एक डिसीजन लिया है कि झारखंड के एक ड्राइवर ने 2001 में भर्ती के लिए आवेदन भरा था लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट 2008 में हुई थी, तो उसको ओपीएस नहीं मिला, एनपीएस मिला। तो एनपीएस मिला 2021 में, वो कोर्ट चला गया और 2021 के बाद उसको जो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ से फिर लेके वो हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि चूंकि उसका जो एडवर्टीजमेंट वो 2001 का है तो इसलिए उसकी जो जो उसकी सीनियरिटी है 2001 से मानी जाएगी, प्लस उसको जो
ओपीएस है, क्योंकि ओपीएस तो 1 अप्रैल 2004 के बाद लागू हुआ है, आपने इसका एडवर्टीजमेंट 2001 से पहले कर दिया। और इसी तरह से केंद्र सरकार ने भी एक ऑर्डर इशू किया था कि जिन लोगों का एडवर्टीजमेंट 1 अप्रैल 2004 से पहले आया, उनकी अपॉइंटमेंट उसके बाद हुई है, उन सबको ओपीएस मिलेगा। तो उसमें काफ़ी लोगों ने फिर ओपीएस को उसमें ऑप्शन लिया था, और अभी कुछ और कोर्टों के कारण ऐसा ओपीएस मिला है, लेकिन जिनका एडवर्टीजमेंट 2004 से पहले का आया, चाहे उसकी भर्ती कभी भी हो, उनको ओपीएस मिल रहा है। तो मित्रों, इसमें और भी जो जानकारी होगी मैं आपको दूंगा। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।